अरे यार बहुत दर्द हो रहा है यार। अभी रात के 2:45 बज गए हैं, देखिए घड़ी में 2:45 बज रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं पहले की तरह स्वस्थ नहीं था, अस्वस्थ हो गया था और तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पैर में गाउट फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज किसी काम से पाटलिपुत्रा स्टेशन आए, तो जैसे कि आप लोग पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि पाटलिपुत्रा स्टेशन का एक वीडियो हमें ज़रूर दिखाइए, तो हम आज आपको इसी व्लॉग में दिखाने वाले हैं कि पाटलिपुत्रा जो स्टेशन है वो किस तरह से रिनोवेट किया गया है उसको। तो आप हमारे पीछे देखिए, ये पाटलिपुत्रा स्टेशन है, इसको रिनोवेट किया गया है। किस तरह से यहाँ पर फिलहाल पटना जंक्शन की तरह यहाँ पर कोई तिरंगा झंडा अभी नहीं लगा है, लेकिन इसको रिनोवेट कर दिया गया है। लाइटिंग उसी तरह से सजाई गई है जिस तरह से पटना जंक्शन पे और राजेंद्र नगर टर्मिनल से। हम एक बात आपको बता दें कि हम बहुत जल्द उसका भी एक वीडियो करने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि राजेंद्र नगर जंक्शन जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा बन चुका है अब। तो अब हम लोग यहाँ पर बिल्कुल पास आ चुके हैं, यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ेंगे हम और आपको चढ़ के दिखाएंगे कि आखिर जो पाटलिपुत्रा जंक्शन है वो कैसा दिखता है। और तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, हालांकि बहुत ही दिक्कत हो रही थी सीढ़ियाँ चढ़ने में, पैरों में बहुत दर्द है, आपने देखा भी होगा, महसूस किया होगा कि वाकई थोड़ी सी परेशानी तो है। तो अभी हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन के ऊपर आ गए हैं और ऊपर देखिए हमारे पीछे ये महाबोधि वृक्ष यहाँ पर बना है। ऐसा ही बिल्कुल पटना जंक्शन पर भी बनाया गया था और उसके पीछे अशोक चक्र है, फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध की जो है यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है, एक तस्वीर खींची गई है बहुत ही प्यारा। ये मैं इधर से आपको दिखाऊं कि ये वो रास्ता है जहां से जब आप पाटलिपुत्रा स्टेशन आएंगे तो इधर तो ऑटो स्टैंड पड़ता है नीचे में, और इधर जब आप देखेंगे ये वही रास्ता है, राउंड करके आया है यहां पर, और यहां से हम लोग पोर्टिको में जाते हैं। ये जो पटना का पाटलिपुत्रा स्टेशन है उसका ये परिसर, वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं वहाँ से। बड़े ही खूबसूरत तरीके से पाटलिपुत्रा स्टेशन को बनाया गया है। ये दूसरा साइड है और देखिए इस साइड में भी आपको यहाँ पर बोधि वृक्ष है और उसके बगल में चाणक्य की प्रतिमा बनी है, उनकी तस्वीर बनी है, और उसके बगल में अशोक चक्र है और उधर चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो आप ये पैसेज है, ये रास्ता है जब आप आते हैं तो, और सेम इसी तरह सर्किल करते हुए ये रास्ता उधर से, इधर से हमने आपको अभी दिखाया था एंट्री जो पॉइंट है वहाँ पर जा करके नीचे उतर जाता है। आप जिस तरफ से भी चढ़ेंगे आप पाटलिपुत्रा स्टेशन पहुँचेंगे। पटना में जो स्टेशंस बन रहे हैं ना, उनका जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो इतने अच्छे और प्यारे तरीके से किया जाता है, उसके ऊपर एक डोम शेप दिया जा रहा है। राजेंद्र नगर टर्मिनल में भी डोम शेप दिया गया है ऊपर में गुंबद नुमा, और देखिए यहाँ पर भी हमारे पीछे आप देख सकते होंगे
जो चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर बनी है उसके ऊपर में जो पाटलिपुत्र जंक्शन लिखा हुआ है उसके जस्ट पीछे एक गुंबद है और उसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिलती है तो एक नया लुक आता है। और जो पाटलिपुत्र स्टेशन बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत खूबसूरत स्टेशन बनाया गया है। और जैसे ही हम इंट्रेंस पे आते हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं पाटलिपुत्र स्टेशन की, तो जो सबसे पहले नज़र जाती है वो हमारे पीछे ये जो आर्किटेक्चर बनाया गया है यहाँ पर, जो इस तरह के स्ट्राइप्स, कलरिंग स्ट्राइप्स दिए गए हैं। देखिए आप, ये इसके जो कलर्स हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, कभी ग्रीन कभी ब्लू, अभी देखिए चेंज होगा और ये दूसरे कलर का हो गया। तो ये पाटलिपुत्र स्टेशन है और ये उसका एंट्रेंस। अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर जो हम प्लेटफॉर्म पे इंटर करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लिए चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप जब सीढ़ी चढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है, लिखा गया है पाटलिपुत्र जंक्शन पर आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग पाटलिपुत्र स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी है, बहुत ही अच्छा लगा है कि अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर चार्ज करने के लिए प्लग्स दिए गए हैं। आज की डेट में क्या होता है ना कि कहीं पे अगर आप जा रहे हैं मेहमान बन करके, अगर आपसे कोई सत्कार नहीं करता लेकिन ये पूछ ले कि आपका स्मार्टफोन चार्ज करना है क्या, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है और सारे सत्कार के इस पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन चार्ज करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और ये पाटलिपुत्र स्टेशन पे इसका ख़ास ध्यान रखा है सरकार ने और इस स्टेशन पे कई जगहों पर चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर आप अपने मोबाइल्स को चार्ज कर सकते हैं। यार बहुत दर्द हो रहा है यार, देखिए मैं आपको अपना पैर दिखाऊंगा, अगर ये नीचे काफ़ी स्वेलिंग हो चुकी है इसमें बहुत ज़्यादा, और जब मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो मुझे चलना पड़ रहा है और चलने के लिए पैरों में ताकत लगती है और जब ताकत लगती है तो दर्द होता है, उसका सीधा कनेक्शन है। अभी रात के 2:45 बज गए हैं, देखिए घड़ी में 2:45 बज रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि हमने सोचा कि थोड़ा सा बैठ लेते हैं, तो बैठने के लिए जब जगह ढूंढ रहे थे तो स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बड़ी खूबसूरती से एक हट बनाया गया है और उस हट के अंदर 2 प्यारे प्यारे चेयर हैं जिस पे हम अभी बैठे हुए हैं। ये चेयर इतनी प्यारी थी कि मैं मुझे देखकर रहा नहीं गया, मैं सोचा यहाँ बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये लगी ना कि ये ऐसा लगता है कोई हिल स्टेशन पर आ गए। अभी सही से चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पैरों में जो परेशानी, जिसकी वजह से मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो शायद ये बात सोच रहे होंगे कि कहाँ गए आखिर साहब भाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो वीडियो में इस बारे में अपडेट देना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मुझे परेशानी क्या थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। फिर भी आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे ये लगातार डिमांड कर रहे थे कि पाटलिपुत्र स्टेशन दिखलाइए, पाटलिपुत्र स्टेशन दिखलाइए। तो आखिरकार हम पाटलिपुत्र स्टेशन पर आज हैं। जो बाहर से हमने आपको तस्वीरें दिखलाई वो देख करके आप समझ गए होंगे कि वो खूबसूरती शायद आपको, यार मच्छर भी बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान करते हैं। एक बड़ी समस्या ये भी है कि मच्छर बहुत ज़्यादा है पाटलिपुत्र स्टेशन पर, लेकिन फिर भी खूबसूरती के आगे ये सब ख़त्म। आप देखिए हमारे पीछे 1-2 मच्छर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे उड़ते हुए और ये चेहरे पर भी बहुत मच्छर यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग अभी पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचे तो यहाँ पर एक छोटा सा मीटअप हो गया। हमारे साथ 2 भाई हैं, इन लोग दिल्ली से आ रहे हैं, पटना में फिलहाल रुके हैं और इन लोग दरभंगा जाने, लोग दरभंगे के रहने वाले हैं। भाई आपका क्या नाम हुआ? कुमार मधुले। और आपका? मोहम्मद रजा हमारे साथ हैं और मधुले भाई हमारे साथ हैं, दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा में फिलहाल अभी बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है,
अच्छा वहाँ पे किस तरह के हालात है? अभी जो हमारा घर है उसके चारों साइड पानी जमा है हाँ। और जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है, गाय मवेशी जितने भी हैं सबको बहुत परेशानी होती है हाँ। लेकिन रोड खुला है जिससे लोग आवागमन जारी है। अच्छा हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, हम लोग खुद भी दिखा भी रहे हैं इस चीज को कि लोग सड़कों पे शरण लिए हुए, सड़क पे लोग अपना घर बना करके रह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे गांव में जो कुछ आबादी जो चौर में जो अपना निवास रखे हैं उसके लिए रोड उड नहीं है हाँ। तो वो लोग अभी आके ऊंचे सड़क पर अपना शरण लिए हुए हैं। बहुत सारी परेशानी है हमारे गांव में। जो वहीं रहते हैं आपके अभी कुछ ऐसा ही है? तो बिहार में बाढ़ है, हम भी प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो बाढ़ की जो त्रासदी है वो जल्दी से खत्म हो जाए और लोगों को इससे राहत मिले। और उम्मीद है कि आपने वीडियो अंत तक देखा होगा और आपको बहुत दिनों बाद मैं एक बार फिर से आपके सामने आया तो आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप वीडियो को पसंद करते रहिए और मैं भी नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए। कोशिश ये करूँगा, दुआ करिए थोड़ा हमारे लिए कि जल्द से जल्द मेरा जो पैर है वो ठीक हो जाए, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा दर्द देता है मुझे और इस दर्द की वजह से मैं चल नहीं पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं कर पाता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।